उनकी चहलकदमी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से जब चलते हैं तो लोगों के चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो जाती है। बात कर रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब बसे दर्जिनिया ताल की, जो कि आजकल सैलानियों को खूब लुभा रहा है। पर डे लगभग 200-300 लोग आते हैं, छुट्टियों के दिन इनकी संख्या करीब 1000 तक हो जाती है। 10 हेक्टेयर में फैले इस ताल में 350 से अधिक मगरमच्छों को देखने के लिए नेपाल बिहार सहित अन्य कई जगहों से रोजाना 250 सैलानियों का हुजूम उमड़ता है। ठंड आते ही मगरमच्छ ताल के बीच में बने टापू पर धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि ठंड में इन मगरमच्छों को देखने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। कोशिश ये है कि दर्जिया से लेकर खेतवाल और एक तरफा क्षेत्र जो है वो इको टूरिज्म के तहत, जिससे लोग घड़ियाल, क्रोकोडाइल और डॉल्फिन देख सकें और प्रकृति का आनंद ले सकें। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए इस ताल में सैलानियों के लिए कई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। तो अगर आप भी मगरमच्छ देखने के शौकीन हैं, तो दर्जिनिया ताल पहुंचकर एक बार जरूर इस नज़ारे का लुत्फ उठाएं।